माइक नंबर 5 भाइयों के शोबे में। डॉक्टर साहब को मेरा सलाम अलैकुम। मनोज केदार मेरा नाम है, मैं सर्विस करता हूँ। मेरे मुंतकबुद्दीन शेख करके मेरे दोस्त है, उन्होंने मेरे को लेके आए यहाँ पर। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि हिंदू मुस्लिम, जैसे मैं बौद्धिस्ट हूँ, जैसा सिख ईसाई, क्यों ना हम एक हो जाएं? क्योंकि मैं मानवता धर्म सबसे बड़ा जानता हूँ। भाई ने कहा कि वो बुद्धिस्ट है और पूछते हैं कि क्यों ना हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बुद्धिस्ट एक ना हो जाएं। भाई साहब, मैंने कभी भी नहीं कहा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अनेक है या डिफरेंट है। कुरान मजीद में साफ तौर पे लिखा है, जो मैंने एक हफ्ता पहले पिछले शनिचर की तकरीर थी आलमी भाईचारा, जहाँ अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं सूरह हुजरात में, सूरह नंबर 49 आयत नंबर 13 में, या अय्युहन नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुउबन व क़बाइला लितअरफू इन अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम इन्नल्लाहा अलीमुन खबीर। ए इंसानो, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत के जोड़े से बनाया है और तुम्हें तकसीम किए हैं, बांटे हैं कबीलों और बरादरियों में, ताकि आप एक दूसरे को पहचान सके, ना कि आप एक दूसरे से नफरत करें। और आप में से सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो अल्लाह पर ईमान लाता है, जो तकवा रखता है, जो परहेजगार है। तो कुरान मजीद में साफ तौर पर कहा गया है कि सारे इंसान एक है। अल्लाह सुबहाना व तआला इंसानों को ऊंचा या नीचा नहीं बनाया है दौलत के बुनियाद पे, जिन्स के बुनियाद पे, रंग के बुनियाद पे, जन्म के बुनियाद पे, लेकिन कहा है कि सबसे बेहतरीन वो इंसान है जो तकवा रखता है, जो परहेजगार है। हम मानते हैं कि सारी इंसानियत एक मर्द और औरत के जोड़े से पैदा हुई है। हमारे पर दादा दादी, पर एकदम पहले दादा दादी एक थे, तो उस लिहाज से हम रिश्तेदार हैं। इसीलिए हम कहते हैं यूनिवर्सल ब्रदरहुड, हम भाई बहन हैं और हम चाहते हैं कि आपस में मिलाप हो। अगर जो हमारा मालिक है, हमारा ईश्वर है, हमारा खालिक है, मैं सिर्फ ये कहता हूं कि हम कम से कम मान ले कि कम से कम एक किताब खुदा की किताब है। कोई भी मुसलमान या गैर मुसलमान को जरा भी हिचकिचाहट नहीं रहेंगी ये मानने के लिए कि कम से कम एक किताब अल्लाह की तरफ से है। हिंदू कहेगा वेद अल्लाह की तरफ से है, क्रिश्चियन कहेगा बाइबल अल्लाह की तरफ से है, मुसलमान कहेगा कुरान अल्लाह की तरफ से है। फिर मैं कहता हूं कि कम से कम जो चीज, जो पैगाम ये सारी मजहबी किताबों में यकसा है, कम से कम वो पैगाम पे अमल करो। जो इख्तिलाफी बातें हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, सही या गलत बाद में डिस्कस करेंगे। कम से कम जो चीज यकसानियत लिखी है ये मजहबी किताबों में, कम से कम उन पे तो 100% अमल करें। और जब हम तहकीक करते हैं इन मजहबी किताबों की, हमें पता चलता है, जो मैंने तकरीर में कहा था एक हफ्ते पहले शनिचर में, कि सारी मजहबी किताबें ये कहती है कि खुदा एक है, उस खुदा का कोई बुत नहीं है, कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई आइडल नहीं, और हमें सिर्फ उसकी इबादत करना चाहिए और उसके साथ किसी को शरीक नहीं करना चाहिए। ये किताबों में ये भी लिखा है, जो मैंने सेकंड कॉन्फ्रेंस में तकरीर की थी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन द वेरियस वर्ल्ड रिलीजियस स्क्रिप्चर्स, इन किताबों में ये भी लिखा है कि आखिरी पैगंबर, आखिरी रसूल जो आने वाले खुदा की तरफ, उनका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो इन सारी किताबों में, चाहे वेद हो, चाहे बाइबल हो, चाहे कुरान हो, इसमें लिखा है कि खुदा एक है और इसके आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो मैं कहता हूं क्यों ना हम सारे इंसान जो मजहब में मानते हैं, जो खुदा में मानते, क्यों ना ये हम अहद करें कि कम से कम ये चीज जो सारी मजहबी किताबों में यकसा है उस पर तो अमल करे, फिर ही भाईचारा बढ़ेगा। हम कम से कम ये अहद करें कि हम एक खुदा के अलावा किसी की इबादत ना करें। ये अहद करे कि जो आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उनकी बात माने, तो ही भाईचारा बढ़ेगा। तो भाईचारा बढ़ाने के लिए कम से कम यकसानियत पे तो अमल करे। जो इख्तिलाफी बाती है वो कल देखेंगे सही या गलत, मैं ये नहीं कहता हूं सही है क्या गलत है, उसका डिस्कशन कल करेंगे। आज तो कम से कम जो यकसा है वो आपको मानने के लिए क्या प्रॉब्लम है?
वो मानने के लिए क्या मुश्किल है? भाई साहब आप समझे क्या कह रहा हूं मैं? हाँ समझ रहा। आपकी किताब में भी लिखा है, कल मुझे एक बुद्धिस्ट ने सवाल किया था जिसके जवाब में मैंने कहा कि आपका धम्मापड़ पढ़ेंगे आप। हाँ मैंने किया था। आपने किया था माशाल्लाह। तो मैंने कहा था कि आपके मजहब में लिखा है कि एक मैत्री आने वाले जब बुद्धा से पूछता है, उसके डिसाइपल अनंदा बुद्धा से पूछते हैं, जो गॉस्पेल ऑफ बुद्धा पेज नंबर 217 और कई जगह धम्मापड़ में लिखा है कि बुद्धा ने कहा कि मैं ना पहला मैत्री हूं ना आखिरी, मेरे बाद कई मैत्री आने वाले, और जो मैत्री आएगा जिस तरीके से मेरे सैकड़ों मानने वाले हैं उसके हजारों मानने वाले होंगे, वो सही धर्म सिखाएगा जो हक का धर्म है, पहले आखिर में भी, और वो सही धर्म सिखाएगा। और जब आनंदा ने पूछा ये आदमी को कैसा पहचानेंगे, तो उसने कहा ये आदमी का नाम होगा मैत्री। मैत्री मतलब मसीह, जिस तरीके से कुरान में कहा गया है सूरह अंबिया में सूरह नंबर 21 आयत नंबर 107 में, वमा अरसलना का इल्ला रहमतिल आलमीन, कि हमने तुम्हें नहीं भेजा लेकिन रहमत बना के सारे आलमीन के लिए, सारी दुनिया के लिए, सारी इंसानियत के लिए। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मानते हैं? किस चीज को? आप मानते हैं क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? मैंने तो कुछ पढ़ाई नहीं की है उसने। हाँ, मैं तो आप जब आलमी भाईचारा के बारे में बात करते हैं और चाहते हैं कि सारे इंसान एक हो, आप बोलेंगे मैं नहीं पढ़ा, तो एकता कैसे होगी? तो है, लेकिन भाई मेरे हिसाब से जो मेरे को जितना नॉलेज है, बिल्कुल सही, तो मैं बोल सकता हूँ जो मैंने अभी कोटेशन दिया हूँ ये आपकी मजहबी किताब से दिया हूँ। अच्छा अच्छा, कुरान से नहीं, कुरान में भी कई हवाले है, वेद में भी है, बाइबल में भी है। अपना मजहब का किताब 100% लोग तो नहीं पढ़ते ना? बिल्कुल सही, उसी में का मैं एक हूँ, यही मैं कहता हूँ, नहीं पढ़ते तो गलती आप कर रहे हैं। हाँ, गलती मेरी है। आपकी गलती के वजह से आलमी भाईचारा कायम नहीं है, तो आप आलमी भाईचारे में रुकावट ला रहे हैं। सही बात, गलती आपकी क्या मेरी? मेरी गलती, मैंने आपकी मजहबी किताब पढ़ चुका हूँ। सही बात है, हिंदू धर्म की, ईसाई धर्म की, भगवत गीता, वेद, धम्मापड़। मेरे दोस्त को वही मैं बताया कि डॉक्टर जाकिर साहब खाली इस्लाम धर्म का मतलब कुरान खाली नहीं पढ़े, वो सब पढ़े, मेरे पीछे बैठे हुए अभी भी, उनको लायक तो मैं माइक पे बुला सकता हूँ। मैं कल उनको वही बोला, इसलिए मैं नेक्स्ट टाइम, आज मेरे को गाँव जाना है मेरे भाई को लड़के को लाने के लिए, तो भी मैं यहाँ पर आया हूँ। बिल्कुल सही, तो मैं ये पूछता हूँ, आपने तो मेरी तारीफ कर दी। नहीं नहीं ऐसा नहीं, मिसाल के तौर पे एक डॉक्टर है जो दवाई देता है, वो डॉक्टर कितना अच्छा डॉक्टर है, बहुत अच्छा डॉक्टर है, बहुत मान है, बहुत ग्रेट है, वो डॉक्टर आपको दवाई दे रहा है, आप दवाई खाते ने। हाँ मैं मानता हूँ इस बात को, आप समझ रहे ना, तो तारीफ करके फायदा क्या? डॉक्टर आपका एग्जामिनेशन करता है, आपको दवा देता है, बहुत अच्छा डॉक्टर है, बहुत माने, इतना अच्छा है, बहुत तारीफ कर रहे, आप जब दवाई नहीं खाएंगे तो आपका इलाज कैसा होगा? सही बात, तो आप जो बोल रहे आलमी भाईचारे का इलाज मैं दे रहा हूँ, मैं आपके आलमी भाईचारे का इलाज दे रहा हूँ, आप मानो कि खुदा एक है और उस खुदा के अलावा कोई माबूद नहीं, उसके अलावा किसी की इबादत नहीं करना चाहिए, और मानो कि आखिरी पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो ये इलाज की शुरुआत है। डॉक्टर साहब ये इलाज जो है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि रोज कहो, एक बार आप बोलेंगे दवा लेने का टाइम नहीं है, एक बार तो लो, ये होता है ना कभी कभी कुछ बीमारी का वन शॉट डोज होता है, आज नई टेक्नोलॉजी है, वन शॉट डोज, एक बार खाओ इंशाल्लाह आपकी बीमारी दूर हो, फिर बाद में वापस से आएंगे।